नमस्कार, सत श्री अकाल एवरीवन। आओ बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की। तो पहले हम डिफाइन करते हैं नंबर सिस्टम को। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम क्या चीज़ होता है, नंबर सिस्टम और किसे हम सिस्टम बोलते हैं। अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो सिस्टम इज़ अ वे, सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर मैनर में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम एक ऐसा वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जैसे हम बात करें प्राइम नंबर्स की, इवन नंबर्स की, ऑड नंबर्स की, प्राइम नंबर्स, टो प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम अपने नंबर सिस्टम को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पूरे पैटर्न के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं अपने पहले क्लासिफिकेशन की, जिसका नाम है नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर? शायद आप लोग सब जानते हो काउंटिंग नंबर के बारे में। काउंटिंग आप सबको आती है, हम जानते हैं हमारे काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप सो ऑन, ये सब काउंटिंग नंबर है। और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर द दोज नंबर्स दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1 एंड ग्रोस टू इन्फिनिटी। क्योंकि नेचुरल नंबर्स ना मेरे पास कभी एंड नहीं होता, से काउंटिंग कभी नहीं रुकती, लगातार चलती चली जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और चलते हैं इन्फिनिटी तक। यहाँ मैंने सबसे पहले नंबर लिखा है 1, सो दिस 1 इज नोन एज माय फर्स्ट नेचुरल नंबर, 1 इज माय फर्स्ट नेचुरल नंबर। एंड द लास्ट नेचुरल नंबर, अगर मैं बात करूँ मेरा लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, लास्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड, लास्ट नेचुरल नंबर मेरे पास डिफाइंड नहीं है, मैं नहीं बता सकता कि मेरी काउंटिंग जाकर कहाँ रुकेगी, कहाँ या जाकर स्टॉप होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा नेचुरल नंबर जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ फिनिश होगा, वो इन्फिनिटी पे जाकर फिनिश होगा, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है। तो इट मीन्स नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉन एज अ नेचुरल नंबर। और बच्चों, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसे हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नंबर जो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर में पास एक सेट होगा ऐसे नंबर्स का जो 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह से अगर आपके काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स के साथ, मैं यहाँ पहले आपके नेचुरल नंबर्स लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अप सो ऑन इन्फिनिटी, ये मेरे पास नेचुरल नंबर है। अगर मैं इस नेचुरल नंबर के साथ एक नंबर और ऐड कर दूं, एक डिजिट और ऐड कर दूं, इसका नाम हो 0, ओके, तो वो सेट जो नेचुरल नंबर के साथ 0 से स्टार्ट होता है, वो सेट जो किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, सच टाइप ऑफ नंबर इज नॉन एज अ होल नंबर। तो इसका मतलब आपके होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। होल नंबर में बस तब बनता है जब उसके साथ कहाँ जो नंबर 0 ऐड होगा, ओके, 0 यहाँ मेरे पास साथ में आएगा और साथ में इससे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि योर होल नंबर इज अ सेट दैट इंक्लूड है 0 एज वेल एज योर नेचुरल नंबर। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपका होल नंबर जो होगा वो मेरे पास एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर मेरे पास 0 होगा और साथ में मेरे पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि होल नंबर एक ऐसा सेट होता है जो नेचुरल नंबर के साथ साथ किसको इंक्लूड करता है, 0 को इंक्लूड करता है। हमने एक्सप्लेन कर लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और नंबर सिस्टम को। मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट कैटेगरी, जिसका नाम होगा इंटीजर और रैशनल नंबर।